दीपावली का समय नजदीक आते ही कई संगठनों द्वारा चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की मुहिम तेज हो जाती है। लोग सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को मैसेज करते हैं कि इस समय देश में बनी स्वदेशी सामान ही खरीदें और उसका धीरे धीरे असर भी हो रहा है। नांगल चौधरी में आज हमारी टीम ने दिवाली के त्यौहार पर दुकानों का घूमकर जायजा लिया। वरिष्ठ एडवोकेट नोटरी भारत सरकार धर्मेश जोशी व पंचायत समिति चेयरमैन सुरेश मुलौदी ने चाइनीज सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाने की बराबर मुहिम चला रखी है और उसका नतीजा भी आज बाजार में देखने को मिला। एक तरफ जहां मिट्टी से बने दियो और स्वदेशी सामान की लुप्त होती भारतीय संस्कृति दोबारा जागृत हो रही है और बाजार में जगह जगह मिट्टी के बर्तनों की दुकान लगी है और खरीदार भी पहुंच रहे हैं। वर्ष में चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चली हुई है, इसका नजारा आजकल दीपावली के पर्व पर नांगल चौधरी में स्पष्ट नजर आ रहा है। मिट्टी के दीपक, कुल्हड़, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां व अन्य मिट्टी के सामान बाजारों में नजर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भारतीय नागरिकों में जागरूकता नजर आ रही है, पुरानी संस्कृति का पुनर्जीवन हो रहा है। नांगल चौधरी में चारों तरफ आप घूम कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मिट्टी से बने बर्तन, दीपक आदि धड़ाधड़ बिक रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करता हूं, देश के नागरिकों से आह्वान करता हूं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी सामान को अपनाएं। क्या ये ग्राहक रुक नहीं रहा, इनको देख के जैसे चाइनीज का वो लग रहा है कि भी चाइनीज की लड़ी है, उसको बताना पड़ता है कि ये घरेलू इंडिया की बनाई हुई है। सुबह से बैठे हैं, कोई दुकानदारी नहीं। तो आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं लगता हमारी लागत भी आएगी, जिस रेट से है उस रेट में चल नहीं रही है। क्या लगता है वैसे तो जी, अब भावना क्या है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है इस तरह। तो लोग कौन सी चीज़ खरीदना पसंद कर रहे हैं? ज़्यादातर मिट्टी की चीज़ें जो घरेलू में होती है ना, डीप जैसे डीप लेवर टाइप में होती है या मोमबत्तियाँ होती है, ये किस तरह आए हैं और ये दिवाली का सामान खरीदने के लिए। तो जो पहले की जो चीज़ें थी, जो बाजार घुमार के घर जाके सामान लेना पड़ता था, वो आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। चाइनीज सामान या तो कोई एक आधी दुकानें हैं वो उन पर कोई ग्राहक नहीं है, और कोई है तो वो बिक नहीं रहा है। चाइनीज का बहिष्कार। अभी जो आप आए हो तो मिट्टी के दिए वगैरह खरीदने कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये जो पुरानी जो संस्कृति है दोबारा से, जो लुप्त होने के कगार पे थी, वो दोबारा से जीवित हो चुकी है।